पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का मामला, इलेक्शन कमीशन की सुबह इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजी सिंध को मरासले जारी। मरासले में कहा गया कि इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से शिकायत मौसूल हुई हैं, तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक इजाला किया जाए। इसी हवाले से मजीद तफसला देंगे उस्मान जबा, हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मरासला जारी किया गया है उसमें क्या कुछ शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वफद था वो आया था, क्योंकि वफद ने गुस्से रोज यहाँ पर शिकायत दर्ज की थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मेम्बरान हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनको तंग किया जा रहा है, उनको जो कागजात नामजदगी है वो जमा कराते वक्त उनसे छीन लिए गए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको यहाँ पर आने की दावत दी थी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और ये यहाँ पर जब आए तो इलेक्शन कमीशन हुकाम से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पर तमाम जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको और चीफ सेक्रेटरीज को जो है यहाँ से खतूत लिखे हैं और उनको कहा गया है मरासले में कि इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से जो शिकायत हमें मौसूल हुई हैं इलेक्शन कमीशन इनका सख्ती से नोटिस लेता है और तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए, क्योंकि उनका कहना था सही, तमाम शिकायत का अजाला किया जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान।